फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1800 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर. ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड. सो लेट स्टार्ट द सॉल्यूशन. सो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे 1800 के प्राइम फैक्टर्स. सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1800 इज इक्वल टू, सो 1800, सो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आएगा 900, देन 2 से तो ये आएगा 450, देन 5 से सो ये आएगा 90, देन 3 से सो ये आएगा 30, देन 3 से सो ये आएगा 10, देन 2 से सो ये आएगा 5, देन 5 से सो ये आएगा 1. सो यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3. सो यहाँ पर एक पेयर हमारा 5 का है एंड एक 3 का है एंड एक यहाँ पर है हमारे पास पेयर 2 का. सो यहाँ पर 1800 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें एक 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको. सो द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1800 मस्ट बी मल्टीप्लाइड so that it becomes a perfect square is 2. so अब हम 1800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये आएगा 1800 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 3600. सो अब हम 3600 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. देयरफॉर अंडर रूट 3600 इज इक्वल टू अंडर रूट. सो 3600 के फैक्टर्स आएंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज इक्वल टू. सो यहाँ पर 3 का एक पेयर है, 5 का एक पेयर है, यहाँ पर 2 का ये पेयर है एंड 2 का ये वाला एक पेयर है. सो इसका अंडर रूट आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज इक्वल टू. सो ये आ जाएगा हमारे पास 60. हेंस द स्मॉलेस्ट नंबर इज 2 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर is 60.